सीएम पर राजू दानवीर का वार, बीजेपी विधायक के बच्चों की तरह बिहार के अन्य बच्चों के बारे में सोचिए नीतीश जी। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन है, विपक्ष भी सरकार के फैसले पर अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण बिहार के कई लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। कोटा में भी बिहार के कई स्टूडेंट वहां फंसे हैं और राज्य सरकार से खुद को बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने किसी को भी बुलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी को बाहर से बुलाना लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। वहीं यूपी सरकार ने भी अपने स्टूडेंट को बसों के माध्यम से बुला लिया है। नीतीश कुमार ने अपने राज्य के बच्चों को लाने से तो इनकार कर दिया, तो वहीं नवादा के एक भाजपा विधायक अपनी बेटी को कोटा से स्पेशल परमिशन पर घर ले आए हैं। ऐसे में विपक्ष नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमलावर हो गया है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने यह कहा है कि नीतीश सरकार इस पर भी विचार करे कि बाकी बिहार के जो मेधावी छात्र छात्राएं कोटा में फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे बिहार लाया जाए। राजू दानवीर ने कहा कि सरकार उनके बारे में कब सोचेगी, उनका कैसा हाल होगा यह सोचकर उन बच्चों के माँ बाप कैसे जी रहे होंगे। आप कहते हैं कि खाने पीने का प्रबंध हम करवा देंगे, लेकिन क्या उन बच्चों तक खाना पहुंच पा रहा है, यह आपने सुनिश्चित किया। उन्होंने राज्य सरकार और सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि कोटा में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और अन्य जगहों पर फंसे दिहाड़ी मजदूर, फैक्ट्री के मजदूर और किसानों को भी सरकार जल्दी से बिहार वापस बुलाए। इसके अलावा राजू दानवीर ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों में राहत सामग्री बांट रहे हैं, पप्पू ब्रिगेड भी पटना में अपना काम कर रही है और जब तक यह लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग गरीब और जरूरतमंदों की चिंता कर रहे हैं, इसी तरह सीएम नीतीश कुमार भी बिहार के फंसे हुए लोगों की चिंता करें।